बोलिए ना, बीच बीच में ऐसा नाश्ता होना चाहिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर लोग आते हैं, होटल में क्या है इस जगह पर ब्रश भी रखा हुआ है। ये है ब्रश, ये लोकल ब्रश है, लोग आते हैं ब्रश करते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं। तो दोस्तों ये किरण दीदी का दुकान है, जो इतना बड़ा दुकान। अच्छा इधर बता रहा हूँ कि अब जब हम लोग यहाँ पर सब्जी की खरीदारी कर रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं किए, थोड़ा सा किया है ठीक। हाँ लेकिन मधुमिता जो बोली कि अब यहाँ पर आए तो बिना खान पान के नहीं जा सकते, तो यहाँ का जो लोकल जो स्वीट या आप कहो कि जो इटरीज है, हर जगह पे हम लोग लोकल फूड को टेस्ट करते हैं। हाँ तो उसको हम लोग जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या है। ये बन रहा है, इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठेंगे। धुसका, धुसका है और उधर बर्रा है, प्याजी बन रहे थे। तो यहाँ पर ये जो लोकल इटरी है, यहाँ पर इस मखंडरों के होटल में जो दो दिन लगता है वहाँ पर है उसका छन के इधर रखा गया है। इधर बन रहा है प्याजी ठीक है, और एक तरफ समोसा बन रहा है, और अभी जलेबी भी बनेगा, गरम गरम जलेबी। इधर सब्जी है, देखे और बड़ा ही ऑर्गेनिक पत्तल, ये जो सखुए का जो दोना है उसमें दिया जाता है, सर्व किया जाता है। और इधर देखिए ये समोसा, ये दीदी कैसे समोसा बना रही है। ये समोसा का ऑलरेडी जो है बाहर का खोल बना चुका है और उसमें ये जो मसाला भर के फिर इसको फ्राई होगा। ये पानी है ना? हाँ पानी। अच्छा खास बात क्या है कि यहाँ पर लोग, जो भाई साहब ने बताया कि यहाँ पर लोग आते हैं होटल में क्या है इस जगह पर ब्रश भी रखा हुआ है, लोग आते हैं ब्रश करते हैं उसके बाद नाश्ता करते हैं, क्योंकि आसपास के फार्मर्स लोग आते हैं ना, तो सुबह सुबह उठकर अपना माल उठाए और यहाँ पर आ गए, सारा अपना बेचा और उसके बाद क्या किया कि थोड़ा ब्रश किया। ये है ब्रश, ये लोकल ब्रश है, मतलब साल का दातून, और उसके बाद नाश्ता किया। गरम गरम जलेबी बन रहा है, वाह। बोलिए ना, बीच बीच में ऐसा नाश्ता होना चाहिए नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बाजार में जो है ना, बाजार में सारे फार्मर्स लोग आते हैं और उसके बाद अपना बेच बाचने के बाद क्या किया कि ब्रश वगैरह किया और खाने के बाद, तो हम लोग भी आज उनके साथ खा रहे हैं। तो आप क्या लेके आए थे आज बेचने के लिए? हाँ मैं ठेला खुदा रहे थे, सब्जी। सब्जी हो रहा। अच्छा 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 अच्छा, क्या प्याजी खा रहे हैं? कैसा है बताइए, टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, बढ़िया है प्याजी। तो दोस्तों ये किरण दीदी का दुकान है, जो इतना बड़ा दुकान कुछ लोगों के साथ मिला के चला रही है। तो देखिए वुमेन एम्पावरमेंट, तो बहुत अच्छी तरह से ये अपना दुकान संभाल रही है। तो दीदी कुछ बताइए, कितना बजे आप आती है, कैसे इतना बड़े दुकान को आप संभाल रही है? हम लोग आते हैं 3 बजे। 3 बजे सुबह का? सुबह का 3 बजे। 3 बजे आपके दुकान से जा के तैयारी करना पड़ता है ना? तैयारी करना पड़ता है, उसके बाद सामान निकालते हैं हम लोग 6 बजे। अच्छा, तो सामान निकालते हैं मतलब बांधने के बाद? हाँ, बांधने के बाद जो दो है वो निकाल लेते हैं। और सुबह 3 बजे से 6 बजे 3 घंटा आप उसको सारे जो रॉ मटेरियल्स है उसको बना के रेडी करते हैं, जैसे कि समोसा का चीज़ें हो गया, उसका हो गया, प्याजी हो गया, पानी भरना हो गया। अच्छा, ताकि लोग सारा चीज़ एकदम शुभ अवस्थित रहे। और ये कितना बजे तक चलेगा ये दुकान? 6 बजे तक शाम चलेगा। अच्छा, ये शाम 6 बजे तक चलेगा, तो दीदी का तो रेस्ट का कोई इतना टाइम ही नहीं मिलता घर में जाके थोड़ा सा। तो आपके आप कितने दिन से चीज़ कर रहे हैं, दुकान कितने दिन तक है? तो ये दीदी दुकान 15-20 साल से चला रही है, बहुत अच्छी बात है। और आप अकेली है या आपके साथ सब कोई साथ में? अच्छा, फैमिली के सारे लोग साथ में, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग ये ब्लेसिंग्स करते हैं कि दीदी की दुकान और बहुत अच्छी तरह से चले, और हम लोग जब आए झारखंड तब उनके दुकान में ज़रूर खाए एक बार। और आप लोग भी जब आए ये मखमंदूर बाजार रांची में, और रातू रोड से आके सीधे टूवर्स आप लोहरदगा की तरफ जाएंगे तो बीच रास्ता में ये मखमंदूर बाजार पड़ेगा, तो दीदी का दुकान है। ये 2 दिन होता है, मंडे और थर्सडे। हाँ ठीक ठीक,
क्या लो क्या भूख बढ़ी है देख देख के